हेलो फ्रेंड्स, मैं सुषमा कुहाड़। वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं 1 से 2 साल के बच्चों के लिए बहुत ही प्यारी सी जुराब बनाकर लाई हूँ। आज मैं आपको ये जुराब बनाना सिखाऊंगी कि ये कैसे बनाई गई है। फ्रेंड्स, ये जुराब देखने में जितनी सुंदर है उतनी ही बनाने में बहुत आसान है और बच्चों के लिए पहनने में बहुत ही कम्फर्टेबल है। ये जुराब हमारी यहाँ से शुरू होती है और यहाँ पर इसका एंड होता है। तो चलिए देखते हैं कि सुंदर सी जुराब कैसे बनाई गई है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस जुराब को बनाने के लिए मैंने ये 3 प्लाई 3 तार वाली और ओसवाल की पारसमनी सिंगल तार वाली ऊन ली है। और जुराब को बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 9 नंबर की सिलाई यूज की है। अब यहाँ पर 9 नंबर की सिलाई में 3 प्लाई वाली ऊन से यहाँ पर मैंने लिए हैं 36 यानी 36 फंदे। फंदे मैंने नॉर्मल डाले हैं और हल्के से लूज हाथ से डाले, जिससे ये किनारी इसकी बिल्कुल सॉफ्ट बने। अगर टाइट फंदे डालोगे तो यहाँ से किनारी टाइट हो जाएगी और बच्चों को पहनने में दिक्कत होगी, इसलिए हल्के लूज हाथ से फंदे डालिए। फंदे डालने के बाद एक सिलाई सीधी साइड से और एक सिलाई उल्टी साइड से पहले उल्टी बनाइए और उसके बाद इसमें हम ये बॉर्डर बनाएंगे। तो यहाँ पर बॉर्डर की अभी 2 सिलाइयाँ हमें और बनानी हैं, तो मैं आपको इन 2 सिलाइयों में बॉर्डर बनाकर दिखाती हूँ कि ये सुंदर सा बॉर्डर हमारा कैसे बनेगा। वैसे इस बॉर्डर डिजाइन की वीडियो मैंने पहले चैनल पर डाली हुई है, लेकिन आप यहाँ पर भी देख लीजिए। देखिए, एक फंदा आप उल्टा बनाइए 2 सिलाई उल्टी उल्टी बुनने के बाद। उसके बाद हम धागा पीछे करेंगे और ये फंदा हम सीधा ही बनाएंगे, लेकिन बैक साइड से सिलाई डालेंगे और इस तरीके से सिलाई के ऊपर धागा लेंगे और फंदे को सीधा बुन देंगे। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, एक फंदा हम यहाँ पर उल्टा बनाएंगे, फिर धागा पीछे करेंगे, एक फंदा हमें सीधा बनाना है, आगे से नहीं बनाएंगे। बैक साइड से हम सिलाई डालेंगे और फंदे को हम ऐसे सीधा बनाएंगे, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, एक फंदा उल्टा बुनेंगे, धागा पीछे, एक फंदा हम सीधा बुनेंगे, लेकिन इस तरीके से बैक साइड से सिलाई डालेंगे, ऐसे सिलाई के ऊपर धागा लेंगे और इसको सीधा बुन देंगे। ऐसे करते हुए आप पूरी सिलाई को बना दीजिए। तो ये देखिए, सीधी साइड से मैंने सिलाई को बना लिया है। अब उल्टी साइड से हम सिलाई को जब बनाएंगे तो जो फंदा यहाँ पर उल्टा बनाया वो यहाँ सीधा बनेगा और जो यहाँ पर सीधा बनाया वो यहाँ पर उल्टा बनेगा। तो यहाँ मेरा लास्ट का फंदा सीधा आया है, तो अब यहाँ इस पहले फंदे को हम उल्टा बुन लेंगे। आप चाहो तो स्लिप भी कर सकते हो। उसके बाद धागा पीछे करेंगे, अब एक फंदा हम सीधा बनाएंगे, लेकिन इसको हम बैक साइड से सिलाई डालेंगे और ऐसे सीधा बुन देंगे। फिर से देखिए, धागा अपनी तरफ करेंगे, एक फंदा हम उल्टा बनाएंगे, धागा पीछे, एक फंदा सीधा बनाएंगे, लेकिन बैक साइड से ऐसे सिलाई डालेंगे और इसको हम सीधा बुन देंगे। ऐसे करते हुए आपको दोनों साइड से इसमें सिलाइयाँ बनाते हुए अपने बॉर्डर की लेंथ पूरी करनी है। तो अब ऐसे एक उल्टा और एक सीधा बनाते जाइए, उल्टा बनाइए और सीधे वाले को बैक साइड से सिलाई डालकर ऐसे लेकर सीधा बना दीजिए। तो पूरी सिलाई को मैं कंप्लीट कर देती हूँ। तो ये देखिए, लास्ट तक मैंने सिलाई को बना लिया। अब इसमें हम क्या करेंगे, एक सिलाई सीधी साइड से पूरी सीधी सीधी अपने इसी रंग से बनाएंगे। आप चाहो तो इसे एक रंग में भी बना सकती हैं, लेकिन छोटे बच्चों पर 2 रंगों में 3 रंगों में बनाओ तो बच्चों पर इस तरह की जुराबें बहुत सुंदर लगती हैं। और ये देखिएगा, पूरी सिलाई को हम सीधा सीधा बुन देंगे, फिर एक सिलाई हम उल्टी साइड से पूरी उल्टी बनाएंगे और उसके बाद अपना सेकेंड कलर इसमें लगाएंगे। तो ये देखिए, एक सिलाई सीधी साइड से सीधी सीधी और एक सिलाई उल्टी साइड से उल्टी उल्टी बुन ली और यहाँ पर मैंने अपना सेकंड कलर बांध लिया है। अब देखिए कैसे बनाएंगे, एक फंदा हम ये जो सेकंड कलर लगाया है इससे उल्टा बुनेंगे और फिर धागा पीछे करके एक फंदा हम सीधा बनाएंगे। ये देखिएगा, एक सीधा, फिर धागा अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा, फिर धागा पीछे, एक सीधा, एक उल्टा। पूरी सिलाई को अब आप ऐसे ही बना दीजिए। तो ये देखिए, एक उल्टा एक सीधा करते मैंने सिलाई को बना लिया। अब उल्टी साइड से सिलाई को पूरा उल्टा बुनिए, फिर सीधी साइड से सिलाई को बिल्कुल सीधा सीधा, फिर उल्टी साइड से सिलाई को उल्टा उल्टा। तो यहाँ पर फिर आपकी देखिए ये वाली 4 सिलाइयाँ कंप्लीट हो जाएंगी। फिर हम अपना ये वाला कलर लेंगे, वही एक उल्टा एक सीधा, एक उल्टा एक सीधा करके इससे हम सीधी साइड से बुनेंगे, फिर उल्टी साइड की सिलाई को उल्टा बुनेंगे। तो इस कलर की फिर हमने ये 2 सिलाइयाँ बुनी हैं।
तो ये वाली मैं 3 सिलाइयाँ इसकी और 2 ये पूरी कर लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर 4 सिलाइयाँ मैंने इस कलर से बनाई, फिर 2 सिलाइयाँ इस कलर से बनाई। सीधी साइड से हम एक उल्टा एक सीधा, एक उल्टा एक सीधा करके बनाते हैं, तो इस तरह से ये डिजाइन बनता चला जाता है। इस डिजाइन को आप बच्चों के किसी भी ऑल प्रोजेक्ट पर डाल सकती हैं, सभी पर बहुत सुंदर लगता है। उसके बाद फिर से मैंने अपने इस कलर से 2 सिलाइयाँ बनानी है, एक सीधी साइड से बना ली, एक उल्टी साइड से, सीधी साइड से एक उल्टा एक सीधा, एक उल्टा एक सीधा, उल्टी साइड से पूरी उल्टी। अब इस कलर की जो 3री सिलाई है, इस पर हम देखिए ये जो इसमें जालियाँ बनाई हैं, ये जाली डिजाइन बनाएंगे। तो देखिए कैसे बनेगा। पहला फंदा तो एज स्टिच होता है, इसे आप उतारिए या उल्टा बनाइए, ये आपकी अपनी मर्जी है। फिर धागा पीछे करेंगे, एक फंदा हम सीधा बनाएंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे, 2 फंदे में आगे से सिलाई डाल लेंगे और 2 का 1 बना देंगे। फिर धागा अपनी तरफ ले आएंगे, 2 फंदे में आगे से सिलाई डाल लेंगे और 2 का 1 फंदा हम बना देंगे। जब हम धागा अपनी तरफ करके 2 का 1 करते हैं, तो जो फंदा हमारा घटता है वो जाली से वापस बढ़ जाता है। तो पूरी सिलाई अब आप ऐसे ही बनाइए, धागा अपनी तरफ कीजिए और 2 का 1 फंदा कर दीजिए। और ये देखिए हम लास्ट में आ गए हैं, यहाँ हमने धागा अपनी तरफ करके 2 का 1 बनाया। अब बच गए ये 2 फंदे, एक फंदा ये सीधा बना दिया, एज स्टिच को आप सीधा बनाइए या उल्टा बनाइए। तो अब इसमें हमारी पूरे में जाली आ गई हैं, जो फंदे घटाए हैं वो हमारे जाली से बढ़ते चले गए हैं। उल्टी साइड से ये इस कलर की अब हमारी 4थी सिलाई है, इसे आप पूरा उल्टा उल्टा बुन दीजिए। उसके बाद ये वाला जो हमारा कलर है, इस कलर से हम 2 सिलाइयाँ बनाएंगे, सीधी साइड से एक फंदा उल्टा एक सीधा, एक उल्टा एक सीधा, ऐसे करके उल्टी तरफ से सिलाई हमारी पूरी उल्टी बुनती जाएगी। उसके बाद हम इस कलर पर अपनी एड़ी बनाएंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अब यहाँ पर ये जाली डाल के मैंने 2 सिलाइयाँ इस कलर से बना ली हैं, फिर 1 सिलाई अपनी इस कलर की बुन ली। अब हम यहाँ पर एड़ी बनाएंगे। बस सीधी साइड पर जब हम एक उल्टा एक सीधा बना देते हैं, तो ये सुंदर सा डिजाइन आ जाता है, इससे इसकी लुक अच्छी आती है। अब देखिए यहाँ तक का हमारा पार्ट ये बन गया है, अब हम ये एड़ी बनाएंगे। तो इस कलर की हमारी 1 सिलाई बन गई है, 2री सिलाई पर एड़ी निकालेंगे। दोनों जुराब बिल्कुल एक समान बनेंगी, कोई अंतर नहीं आएगा। तो हमारे पास है टोटल 36 यानी 36 फंदे, इसमें से हम 18 फंदों को बुन लेंगे। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और ये 16, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 और ये 16, 16 फंदे हमारे इधर बच गए हैं। हमें यहाँ 18 बनाने हैं, क्योंकि 36 है, 36 में से 18 लेने हैं, 17 और ये 18, 18 दूनी 36। तो देख लीजिए 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 और ये 18, 18 फंदे इधर हैं और 18 फंदे हमारे इधर हैं। अब हम क्या करेंगे, यहीं से टर्न कर जाएंगे, इधर के 18 फंदों को हम छोड़ देंगे। अब देखिए यहाँ से इस फंदे को एक बार हम ऐसे पलटेंगे, इसे हम थोड़ा टाइट कर लेंगे और बैक साइड से 2 का 1 फंदा बना देंगे। तो यहाँ से एक फंदा कम हो गया। अब बीच के फंदों को हम सीधा बुनेंगे और लास्ट वाले 2 फंदों का हम 1 फंदा बनाएंगे। 18 फंदे पर हमारी एड़ी बनी है और 18 फंदे हमारे साइड में हमने छोड़ दिए हैं। दोनों जराब बिल्कुल एक जैसी बनेंगी, एक जैसी एड़ी बनेगी, लेफ्ट या राइट किसी भी पैर में आप इसको पहना सकते हो। ये देखिएगा, अब ये जो 2 फंदे बच गए, इन दोनों में आगे से सिलाई डालेंगे और 2 का 1 फंदा बना देंगे। 18 में से 2 का इधर 1 किया, 2 का इधर किया, 2 फंदे कम हो गए, फंदे बच गए 16। अब आ जाइए उल्टी साइड पर, इस फंदे को हम ऐसे स्लिप कर देंगे, इसको अब बुनेंगे नहीं। और लास्ट का फंदा है यहाँ पर, देखिए कट आ गया है ये बीच में, इस फंदे को हमें स्लिप करना है और बीच के फंदों को हमें बुनना है। यानी हमारे पास है 16 अब घटाई करने के बाद, तो एक फंदा स्लिप कर दिया, बीच के 14 फंदों को बुन लेंगे और फिर एक फंदे को हम स्लिप करेंगे। ऐसे आपने करना है, यानी जो दोनों साइड पर हम 2 का 1 करते हैं सीधी साइड पर, उल्टी साइड से उस फंदे को हमें स्लिप करना है। देखिए इस फंदे को हम ऐसे स्लिप कर देंगे, यहीं से टर्न कर जाएंगे और बैक साइड से 2 का 1 फंदा बना देंगे। अब लास्ट में हमें 2 का 1 करना है, बीच के फंदों को हमें सीधा बुनना है।
दोनों साइड से हमें चार चार बार फंदे घटाने, यानी चार फंदे हम एक साइड से घटा देंगे, चार फंदे हम एक साइड से घटाएंगे। तो ये देखिए, आगे से सिलाई डालेंगे लास्ट में और दो का एक कर देंगे। अब आ जाइएगा आप उल्टी साइड पर। उल्टी साइड पर ये जो दो का एक किया, इस पहले फंदे को स्लिप करेंगे, उसके बाद एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह और ये बारह फंदे हमने बीच में बनाए, इस फंदे को स्लिप कर देंगे। फिर से आज ये सीधी साइड पर तीसरी बार घटाई हो रही है, बैक साइड से दो का एक करेंगे और बीच वाले फंदों को हम सीधा बुनेंगे, लास्ट में हमें दो का एक करना है। दोनों तरफ से हमें चार चार फंदे ही घटाने हैं, दस फंदे फिर हमारे बच जाएंगे, फिर से वापस हमें फंदे बढ़ाने होंगे। तो ये देखिए, लास्ट में भी हमने दो का एक किया। अब आ जाइए उल्टी तरफ, दो का एक किया, इसे स्लिप करेंगे, बीच में एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ और दस फंदे बनाए और ये वाला फंदा हमने स्लिप कर दिया। अब फिर से सीधी साइड पर हम चौथा फंदा कम कर रहे हैं, बैक साइड से दो का एक करेंगे और जो हमारे बीच के फंदे हैं इनको हम सीधा बुनेंगे, एक दो तीन चार पाँच छ सात और ये आठ फंदे बीच में बनाए और फिर आगे से सिलाई डालकर हमने दो का एक किया। अब आ जाइए उल्टी साइड पर, उल्टी साइड पर हम इन सभी फंदों को बुन लेंगे। अब हमें कोई फंदा स्लिप नहीं करना, देखिए एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ और ये दस। अब देखिए, यहाँ से हमें फंदे उठाने हैं, वही चार चार जो घटाए हैं उन्हीं को हम वापस उठाएंगे। तो ये देखिए, ये ऐसे ये जो चैन बन रही है इसमें सिलाई डालेंगे, एक फंदा हम यहाँ से उठा लेंगे, यहीं से टर्न करेंगे, जो हमने उठाकर बनाया इसको स्लिप करेंगे और आगे के फंदों को हम सीधा बुन देंगे। अब जैसे हमने फंदे इसमें से दोनों साइड से घटाए हैं, ऐसे ही चार चार फंदे दोनों साइड से हमें उठाने हैं। ये देखिएगा, लास्ट तक बुन लिया। अब यहाँ पर ये जो चैन है, इस चैन में सिलाई डालेंगे और एक फंदा यहाँ से बुन लेंगे। फिर यहाँ से उल्टी साइड पर आ जाइए, एक बार फंदा उल्टी साइड से उठेगा, एक बार सीधी साइड से, जो उठाकर बनाया इसे स्लिप करेंगे, आगे के फंदों को हम उल्टा बुनेंगे और फिर जो हमारा लास्ट में आ गए हैं तो यहाँ से हमें दूसरा फंदा उठाना है। तो इस दूसरी चैन में ऐसे सिलाई डाल लेंगे, एक फंदा ऐसे बुन लेंगे और यहीं से टर्न कर जाएंगे। अब ये जो चैन में से उठाकर बनाया इसे स्लिप करेंगे और लास्ट तक फंदों को सीधा सीधा बना देंगे। तो यहाँ तक हमने सिलाई को सीधा सीधा बुन लिया। अब देखिए, यहाँ से इस चैन में ऐसे सिलाई डालेंगे और यहाँ से हम फंदे को उठा लेंगे। अब आ जाइए उल्टी साइड पर, जो हमने चैन में से फंदा उठाकर बनाया इसे स्लिप कर देंगे और आगे के सभी फंदों को उल्टा बुनेंगे। तो यहाँ लास्ट तक हमने उल्टा बुन लिया। अब हम ये जो तीसरी चैन है इसमें सिलाई डालेंगे और तीसरा फंदा इधर से हमारा आ गया है, फिर टर्न करेंगे, जो उठाया इसे हम स्लिप करेंगे, आगे के फंदों को हम सीधा सीधा बुन देंगे। और इसे सीधा सीधा बुनने के बाद फिर हम देखिए, यहाँ इस चैन में सिलाई डालेंगे और एक फंदा यहाँ से ऐसे हम उठा लेंगे, फिर हम टर्न करेंगे, जो हमने चैन में से उठाकर बनाया उसे उतार देंगे और आगे के फंदों को हम उल्टा बुन लेंगे। तो इसे हमने उल्टा बुन लिया है लास्ट तक। अब देखिएगा, ये लास्ट वाली जो ऐसे बिल्कुल ये वाला यहाँ पर आपको दिखेगा, इसमें सिलाई डालिए इसके बिल्कुल मिलाकर, और यहाँ से हमारे पूरे इधर से चार फंदे आ गए हैं। अब ये जो हमने उठाकर बनाया इसे हम स्लिप कर देंगे और आगे के फंदों को हम सीधा सीधा बुन लेंगे और आगे हमारा लास्ट का फोर्थ नंबर का फंदा हमें उठाना है। तो हमारे इसमें फिर पूरे 18 फंदे हो जाएंगे, 18 फंदे से ही हमने एडी को बनाना शुरू किया था। तो ये देख लीजिए, मैंने लास्ट तक सभी फंदों को सीधा बुन लिया है। अब यहाँ पर देखिए, ये हमारी स्टार्टिंग की चैन है, इसमें सिलाई डालेंगे और एक फंदा बुन लेंगे। तो ये हमारे पूरे 18 फंदे हो गए। अब देखिए, फंदे तो 18 हो गए हैं। अब आ जाइए उल्टी साइड पर,
अब ये सिलाई हमें लास्ट तक उल्टी बुननी है, क्योंकि जो हमारी यहाँ से सिलाई बननी शुरू हुई थी इधर से, पहली सिलाई हमने सीधी साइड से बना ली थी एक उल्टा एक सीधा करके, और सेकंड सिलाई जो हमारी उल्टी साइड पर आई तब हमने अपने एड़ी के फंदों को अलग किया। तो अब देखिए, ये पहले मैं आपको फंदे गिनकर दिखाती हूँ, एड़ी वाले 18 हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और ये देखिए 18, ये पूरे 18 हो गए। अब आगे के फंदों को भी हम इसी में बुन लेंगे। तो ये इस कलर की हमारी दूसरी सिलाई यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी, फिर तीसरी सिलाई हम सीधी साइड से पूरी सीधी सीधी बुन लेंगे, चौथी सिलाई उल्टी साइड से पूरी उल्टी उल्टी बुन देंगे। तो इस कलर की फिर यहाँ पर 4 सिलाइयाँ हो जाएंगी। तो मैं ये चारों सिलाइयाँ अब यहाँ पर पूरी कर देती हूँ, दूसरी तीसरी और चौथी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये चारों सिलाइयाँ हमारी यहाँ पर पूरी हो गई हैं। अब हम क्या करेंगे, एक गले वाली सिलाई लेंगे और हमारे पास जो 36 फंदे हैं, 36 में से 18 फंदों को बिना बुने इस सिलाई में उतार देंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 हमने इसमें उतार लिए और 18 हमारे इस सिलाई में बच गए। अब इसको हम ऐसे फोल्ड करेंगे और ये देखिएगा, अब हमारा जो धागा है वो इधर है। अब एक सिलाई हम ले लेंगे इस तरीके से, कोई भी ले लीजिएगा। एक फंदा हम अपनी साइड का यहाँ पर देखिए ऐसे उतार लेंगे, इसमें से कोई भी अपनी साइड का ले लीजिए या बैक साइड का ले लीजिए, आपकी मर्जी है। अब हमें एक सिलाई में इन फंदों को करना है। एक ये लिया, एक हमने बैक साइड से लिया, एक फिर अपनी साइड से लिया, एक हमने बैक साइड से लिया, एक अपनी साइड से लिया, एक बैक साइड से, एक सिलाई में इन फंदों को कर देंगे हम इस तरीके से, क्योंकि जुराव का बस इतना ही पार्ट ओपन है जो कि हमारा सिला जाएगा, आगे के पार्ट में सिलाई नहीं होगी, ये बुनाई में आएगा। तो एक आप अपनी तरफ से फंदा ले लीजिए और एक बैक साइड से, ऐसे करके सभी फंदों को एक सिलाई में कर दीजिए। तो ये देखिए, एक सिलाई में हमारे फंदे हो गए। अब हम इसे आगे डबल कलर में ही बना रहे हैं। तो 4 सिलाइयाँ इस कलर की तो ये पूरी हो गई हैं, अब हमें अपना ये वाला कलर लेना है। तो यहाँ पर ये जो धागा है इसे आप ऐसे कर लीजिए और इसको ले लीजिए। जो अपनी तरफ का फंदा है इससे हम उसको बुन लेंगे, और जो बैक साइड का फंदा है उसको हम स्लिप कर देंगे। फिर जो अपनी साइड का फंदा है उसे हम बुनेंगे, जो बैक साइड का फंदा है उसे हम स्लिप करेंगे। पूरी सिलाई अब आपने ऐसे ही बनानी है, बैक साइड के फंदे को स्लिप कर दीजिए और अपनी तरफ के फंदे को बना दीजिए। और अगर गलती से आपने बैक साइड का फंदा बुन दिया तो यहीं से जुराब बीच में से सिल जाएगी, इसलिए आप इस सिलाई को पूरे ध्यान से बनाइए। और अलग से ही पता चल जाता है कि ये बैक साइड का फंदा और ये अपनी तरफ का। तो ये देखिए, ये बैक साइड का हो गया, ये अपनी तरफ का हो गया। अब हमें जो है ये एक कलर की यहाँ पर, जैसे हम पूरे में लंबे में बनाते थे तो दो सिलाइयों में बनता था, अब हमारे हो गए हैं इकट्ठे। तो दो बार एक साइड से और दो बार एक साइड से जब हम फंदों को बुनेंगे तो हमारी ये दो सिलाइयाँ पूरी होंगी। तो ये हमने अपनी तरफ का फंदा बनाया, बैक साइड का स्लिप किया, अपनी तरफ का हम बनाएंगे और बैक साइड का फंदा स्लिप करेंगे, पूरी सिलाई हो गई। अब दूसरी साइड से भी हमें ऐसे ही बुनना है। अब ये आ गए अपनी तरफ के, तो ये अपनी साइड का फंदा हम बुन लेंगे और बैक साइड का फंदा स्लिप कर देंगे। तो ये हमारी दोनों तरफ से एक एक सिलाई पूरी होगी, जिसमें हमारी राउंड पूरी लंबे में अगर 36 फंदों में माने तो वो एक सिलाई मानी जाएगी, लेकिन यहाँ पर 18 18 हाफ हाफ फोल्ड हो गए हैं, तो 18 एक तरफ से, 18 एक तरफ से हमने एक एक बार बुने हैं, तो ये हमारी एक एक बार बुनी गई। एक बार और हम ऐसे ही बुनेंगे, एक बार इधर से एक बार इधर से, तो इतना पार्ट हमारा बुना जाएगा। फिर हम अपना सेकंड कलर लगाएंगे। तो ये देखिए, लास्ट तक मैंने इसको बना लिया है। अब ये देखिए, थोड़ा बहुत लूज हो तो ऐसे अप करके इसको टाइट कर लीजिएगा। तो अब एक एक बार दोनों तरफ से इस कलर से बुना गया, एक बार और बुनेंगे,
एक बार फिर वही बुनना है, जो अपनी तरफ का फंदा हो उसको आप बना लीजिए, बैक साइड का जो फंदा हो उसे स्लिप कर दीजिए, फिर दूसरी साइड से भी ऐसे ही करते हुए इस रंग से आप इन दोनों तरफ की सिलाइयों को पूरा कीजिए। तो ये देखिए, इस कलर से दो सिलाइयाँ इधर से और दो सिलाइयाँ इधर से बनाई, तो हमारा ये देखिए इतना पार्ट ये बनके तैयार हो गया। अब हम अपने इस कलर से बुनेंगे, तो इस कलर से हमें चार बार इस साइड से बुनना और चार बार इस साइड से बुनना, तो हमारा इतना पार्ट बुना जाएगा। बुनाई का तरीका बिल्कुल सेम रहेगा। देखिए, अपनी तरफ का फंदा आप बनाते जाइए और बैक साइड का फंदा आप इसमें स्लिप करते जाइए। तो फिर हम चार बार अपनी इस साइड के और चार बार दूसरी साइड की सिलाइयाँ बनाएंगे। उसके बाद फिर से हम अपना ये दूसरा कलर लेंगे, ये वाला, इससे दो बार इधर से दो बार इधर से बनाते हुए इस जुराब की लेंथ हमें देखिए यहाँ तक बना लेनी है, यानी एक दो तीन चार, चार पार्ट हमारे बनेंगे ये दो दो सिलाइयों वाले, और इस एक दो तीन, तीन पार्ट हम बना के और चौथा पार्ट, चार सिलाइयाँ यहाँ पर बना के उसके बाद घटाइयाँ करेंगे। तो चार पार्ट इसके और चार पार्ट इसके मैं बुन लेती हूँ। फिर मैं आपको देखिए ये जो इसकी राउंड शेप बनी है, ये जो घटाई इसकी हुई है गोलाई में, ये मैं आपको करके दिखाऊंगी। आगे आप इसको ऐसे ही कंटिन्यू करते जाइए और इसकी लेंथ जितनी आप चाहो उतनी बना लीजिए। इससे ज़्यादा लेंथ आपको करनी हो तो थोड़ी और लंबी जुराब को बना सकते हो। तो मैं इसकी यहाँ तक की लेंथ बना लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसकी लेंथ मैंने बनाकर कंप्लीट कर ली है। इसमें देखिए ये जो हमारी इस कलर की सिलाइयाँ हैं, इसके पार्ट एक दो तीन और ये चार, एक दो तीन और ये चार, ये हमारी राउंड में चार चार सिलाइयों वाले हैं और ये दो दो सिलाइयों वाले पार्ट हैं। अब इस जुराब का देखिए, हम इस तरह से ये वाला पार्ट बुनेंगे जिसमें यहाँ पंजे की गोलाई बनेगी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से देखिएगा, हम तीन फंदों का एक फंदा बनाएंगे, एक अपनी साइड का है, एक बैक साइड का और एक फिर अपनी साइड का। यहाँ से हमने तीन फंदों का एक किया, एक फंदे को स्लिप करेंगे, फिर अपनी तरफ के फंदे को बनाएंगे, बैक साइड का स्लिप करेंगे, लास्ट में भी हम ऐसे फिर तीन का एक करेंगे और बीच के फंदों को बना लेंगे। तो ये देखिए, अपनी साइड का बुना, बैक साइड का स्लिप किया, ऐसे करते हुए लास्ट में आ गए हैं। लास्ट के हमारे तीन फंदे बचे हैं, इन तीन का हम यहाँ पर एक फंदा बना देंगे। ये देखिए, तीन का हमने एक फंदा किया। अब आ जाइए इसकी दूसरी साइड पर, दूसरी साइड से भी हमें घटाई करनी है। तीन फंदों का हम एक फंदा बनाएंगे, जो बैक साइड का फंदा उसे स्लिप करेंगे, अपनी साइड के फंदे को बुनेंगे। बस ऐसे ही करते हुए हमें लास्ट में भी तीन का एक करना है। दोनों तरफ से हम इसमें घटाई करेंगे तीन तीन फंदों की। तीन का एक करने से हमारे दो फंदे एक बार में ही कम हो जाते हैं। बस बुनाई का तरीका तो वही चलेगा, बैक साइड का फंदा स्लिप, अपनी साइड का फंदा हमें बुनते जाना है। अब ये देखिएगा, लास्ट में हमारे तीन फंदे बच गए, इन तीन का हम यहाँ एक फंदा कर देंगे। अब आ जाइए दूसरी साइड पर, दूसरी साइड पर भी हम पहले तीन फंदों का एक फंदा बनाएंगे, बैक साइड का फंदा स्लिप और अपनी साइड का फंदा बुनते जाएंगे, और लास्ट में भी हम तीन का एक करेंगे। बहुत ही आसान तरीके से ये जुराब बनती है, इसे न्यू बिगनर्स भी आसानी से बना सकती हैं, और बच्चों के पैर में पहनने में बहुत ही कंफर्टेबल है, पैर से ये निकलती नहीं है। बच्चा जितना मर्जी आए पैर मारे, ये पैर से निकलती नहीं, क्योंकि एड़ी वाली है। अब ये देखिए, लास्ट में भी हमने तीन फंदों का एक फंदा किया। अब यहाँ से हम पहले तीन का एक करेंगे, फिर जो फंदा बैक साइड का है उसे स्लिप और जो अपनी साइड का है उसे हम बुनते जाएंगे, और लास्ट में भी हम तीन का एक करेंगे। ऐसे करते हुए हमें दोनों साइड से इसमें घटाई करनी है। तो ये देखिए, दोनों साइड से इसमें मैं फंदे घटाती गई हूँ। अब ये हमारे सिर्फ यहाँ पर चार फंदे बचे हुए हैं, इन चारों का हम यहाँ पर एक बार में ही एक फंदा बना देंगे। बाकी तो हमने दोनों साइड से तीन तीन घटाए, लास्ट में चार बच गए हैं, तो चारों का हमने एक ही फंदा बना दिया है। आप इस तरीके से भी इनको कर सकती हो। देखिए, या तो चार का एक बार में ही एक कर दीजिए, या फिर आप ऐसे कीजिएगा, देखो, तीन का एक बनाइए, सिलाई पर फंदा लाइए, फिर दो का
एक कर दीजिए, जैसे ठीक लगे वैसे कर दीजिए। इसके बीच में से ऊन निकाल के दो चार बार इधर से सुई से कर दीजिए या क्रोशिए से कर दीजिए, यहाँ पर लाके पक्का करके इसको काट दीजिए। उसके बाद इसका हमारा ये वाला पार्ट है, इसे हम सुई से यहाँ तक सील देंगे। तो मैं इसे सुई से सील देती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, सिलाई इसकी हमने कर दी है, जुराब हमारी बनके हो गई है तैयार। अब इसमें हम डोरी डालेंगे। डोरी या तो ये जो हमने जाली वाला डिजाइन बनाया है इसमें से डाल दीजिए, मैं यहाँ पर डालूंगी। इसमें मैंने यहाँ पर जाली डाल के कोई होल नहीं बनाए हैं, मैं क्रोशिए से यहाँ पर डोरी डाल दूंगी, बहुत आसानी से यहाँ पर डोरी डल जाएगी। तो देखिए थोड़ा सा आपको बता देती हूँ, डोरी मैंने बना के रखी हुई है। अगर आपको डोरी बनानी नहीं आती तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में बता दीजिए, मैं स्पेशल वीडियो बना के डाल दूंगी डोरी की। अब देखिए हम ऐसे डोरी डालेंगे, यहाँ जो फ्रंट वाला साइड है इसमें से, तो नीचे वाली साइड से हम क्रोशिया ऊपर लेकर आएंगे, जहाँ आपने डोरी डालनी वहाँ पर ऐसे लीजिएगा। ये जो डोरी बनाई है इससे ऐसे क्रोशिए में डालेंगे इस तरीके से, और इसको हम नीचे की तरफ ऐसे खींच देंगे। फिर एक बार यहाँ हम बाहर निकाल देंगे, एक बार अंदर डाल देंगे, और फिर यहाँ लास्ट में आके बाहर निकल जाएगी, तो हमारी डोरी इसमें राउंड में डल जाएगी। तो ये देखिए क्रोशिए से मैंने डोरी डाल दी है। एक साइड का पोम-पोम हम पहले लगाते हैं डोरी पर, और दूसरी साइड का हम बाद में लगाते हैं। दूसरी साइड का लगाना, ये हम इसका जो पोम-पोम हम लगाते हैं काफ़ी आसान होता है। ऐसे यहाँ से ओपन करेंगे ऐसे करके, और यहाँ पर जो हमने पोम-पोम अपना लपेटा हुआ है इसको यहाँ पर डाल देंगे। ऐसे डोरी को टाइट करके हम खींच देंगे, जितना टाइट हो सके उतना टाइट कर दीजिए। और डोरी बनाना नहीं आता है तो आप मुझे बता दीजिए, मैं स्पेशल वीडियो बना के डाल दूंगी। और फिर इसकी हम यहाँ पर नोट लगाएंगे, देखिए ऐसे, और इसके बिल्कुल पास में लेकर आएंगे। अगर लूज लगे तो आप एक नोट और लगा सकते हो, और इसके बिल्कुल साथ में ही आपकी नोट आनी चाहिए, ये जो आपका यहाँ पर नोट लगी इसके बिल्कुल पास में, इससे फिर ये यहाँ से खुलेगा नहीं। अब कैंची से काट कर इसको सही कर देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, 1 से 2 साल के बच्चों के लिए बहुत ही प्यारा सा जुराब का पेयर हमारा बनके तैयार हो गया है। अगर आपको ये जुराब का पेयर पसंद आया हो, मेरा बताने का तरीका पसंद आया हो, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी फ्रेंड्स ग्रुप में से शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पर न्यू जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आप मेरे चैनल के सारे वीडियो सबसे पहले देख सकें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।